जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। वो क्या है? मेथड्स इन जावा। जावा में मेथड्स क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, मेथड्स कैसे बनाया जाता है, यानी सिंटैक्स, एक सिंपल सा एग्जांपल प्रोग्राम, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मेथड क्यों बोला गया है जावा में फंक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ मेथड से। तो यहाँ पे मैंने फुल एक्सप्लेनेशन लिखा है। मैं अपने वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन तभी लिखता हूँ जब मुझे एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बतानी होती है, तो इसमें मैं आपको बताऊँगा। तो व्हाट इज़ मेथड क्या होता है? मेथड इज़ अ ग्रुप और ब्लॉक ऑफ कोड विच टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेस्ड इट एंड गिव आउटपुट। मेथड जो है ग्रुप ऑफ कोड होता है, जिसे आप ब्लॉक ऑफ कोड भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, यूज़र इनपुट लेता है अपने से, उस इनपुट को मेथड हमारा प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें उस इनपुट का ये आउटपुट देता है। इतना ही मेथड का काम होता है। तो इसमें और एक पॉइंट आपको क्या याद रखना है, मेथड्स रन्स ओनली व्हेन इट इज़ कॉल्ड। मेथड तभी एग्जीक्यूट होता है जब आप मेथड को कॉल करेंगे। तो ये हो गया मेथड क्या होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जावा में फंक्शन को मेथड क्यों बोला गया है। फंक्शन को मेथड जावा में इसलिए बोला गया है क्योंकि जावा में मेथड्स को आप सिर्फ क्लास के अंदर ही बना सकते हो, इसीलिए इसका नाम मेथड रखा गया है। जबकि C++ में क्या होता है, आप चाहें तो क्लास के बाहर या फिर क्लास के अंदर कहीं भी मेथड डिफाइन यानी फंक्शन बना सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये मेथड हो गया। तो अभी चलो बताता हूँ मेथड्स कितने टाइप्स का होता है जावा में। टू टाइप्स का होता है, बिल्कुल C++ की तरह, प्री डिफाइंड, यूज़र डिफाइंड। प्री डिफाइंड वो मेथड होते हैं जो पहले ही डिफाइंड है, जिन्हें हम केवल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंट मेथड, SQRT मेथड, सॉर्ट मेथड, नेक्स्ट इंट मेथड। तो इन्हें पहचानने का तरीका क्या है, ये ना सेमी कोलन से एंड होते हैं, और जब भी आप इन्हें यूज़ करेंगे ना, क्लासेस के साथ यूज़ करेंगे, जैसे प्रिंट मेथड सिस्टम क्लास के साथ यूज़ होगा, सॉर्ट मेथड एरे क्लास के साथ यूज़ होगा, SQRT मैथ क्लास, नेक्स्ट इंट के लिए स्कैनर क्लास होता है। और इनकी ना कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं होती, इनकी बॉडी नहीं होती, इन्हें आप केवल अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए और कुछ नहीं। यूज़र डिफाइंड मेथड जो यूज़र खुद से डिफाइन करता है अपने यूज़ के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक ऐड नाम का मेथड बना दिया, सब नाम का बना दिया, M1, M2, डिस्प्ले, जो मन में आ रहा आप यहाँ पे बना दीजिए, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड मेथड है। अभी मेथड को बनाना कैसे है जावा में, वो भी आपको जानना चाहिए, यानी सिंटैक्स ऑफ मेथड। सबसे पहले रिटर्न टाइप और फंक्शन का नेम, यानी मेथड का जो भी नेम आप देना चाहो, ये दोनों कंपलसरी होता है, बिना इसके आप कोई भी मेथड जावा में नहीं बना सकते। उसके बाद यहाँ पे ना आप पैरामीटर पास भी कर सकते हो, यानी यहाँ से आप जो भी डेटा पास करोगे उसे ही हम पैरामीटर बोलते हैं, तो ये ऑप्शनल होता है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से ओपन और क्लोज होगी मेथड की बॉडी, और इस बॉडी के अंदर हमारा ये स्टेटमेंट लिखा होगा। तो ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करेगा जब हम अपने फंक्शन नेम मेथड को कॉल करेंगे अपने मेन मेथड से। तो ये हो गया मेथड का सिंटैक्स। अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ मेथड यूज़ करने का पर्पस क्या है, फिर एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। सिंपल सा पर्पस है व्हाई वी यूज़ मेथड का, वो क्या क्या है चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहला होता है डिक्रीज लाइन ऑफ कोड, डिक्रीज LOC मतलब लाइन ऑफ कोड। तो ये कैसे डिक्रीज करेगा, जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो वहाँ पे आपको प्रूफ करके दे दूंगा। सेकंड होता है हमारा इसे यूज़ करने का पर्पस, रीडेबिलिटी। तो यहाँ पे रीडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोग्राम को जब किसी को भी दिखाओ ना, तो वो देखते ही समझ जाए एक ही बार में कि आपने अपने प्रोग्राम में क्या किया है, कहाँ किया है और कैसे किया है, उसी को बोलते हैं रीडेबिलिटी, यानी प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो मेथड यूज़ करने से हमारा प्रोग्राम अपने आप रीडेबिलिटी हो जाता है। और लास्ट क्या होता है मेथड को यूज़ करने का पर्पस, रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब आप अपने किसी भी पर्टिकुलर लॉजिक को बार बार रिपीट करा सकते हो। मान लो आपने एडिशन 2 नंबर का प्रोग्राम बनाया, तो आप अपने मेथड को अगर 10 बार कॉल करेंगे ना, तो आपका वो ब्लॉक ऑफ कोड जो मेथड के अंदर लिखा होगा वो 10 बार रिपीट करेगा। तो यही तीन पर्पस है मेथड को यूज़ करने का, जिसे आप एडवांटेज भी बोल सकते हो। इंटरव्यू में अक्सर यही पूछता है व्हाई वी यूज़ मेथड, तब आपको यही तीन पॉइंट बता देना है। अभी अपना एक और होता है रूल्स ऑफ मेथड।
रूल्स ऑफ मेथड डिक्लेरेशन, मतलब मेथड को बनाने का क्या क्या रूल है जावा में, ठीक है। तो सिंपल सा रूल है, सबसे पहला होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या होता है, मेथड की बॉडी होती है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होगा और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा होगा, ये स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करेगा जब मेथड को कॉल करेंगे। सेकंड क्या होता है, कॉलिंग। कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मान लो आपने कोई मेथड का डेफिनेशन दे दिया है, मेथड बना लिया है, जब तक आप उसे कॉल नहीं करेंगे ना तो आपका मेथड वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं, इसे लिखने का कोई मतलब नहीं। तो कॉलिंग और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन में आपका मेथड का सारा चीज़ आ जाएगा, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, बॉडी, स्टेटमेंट, और कॉलिंग में जैसे कॉल करेंगे वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो चलो एक एक पॉइंट को प्रूव करके दे रहा हूँ अपने प्रोग्राम में जो मैंने कहा है। कोडिंग पार्ट के लिए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेम सिंटैक्स का यूज़ करके मेथड का प्रोग्राम बनाएंगे। तो कैसे बनाना है आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आप सीख जाएंगे। देखो सबसे पहले ना एक सिंपल सा क्लास बना लो, जैसे मैंने ए नाम का यहाँ पे क्लास बना लिया और ये अपना मेन मेथड हो गया। अभी इतना कम करके ना काम छोड़ दो, हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस है मेथड बनाना। तो कैसे बनाते हैं, मैंने सिंटैक्स क्या लिखा था, रिटर्न टाइप मेथड नेम। तो रिटर्न टाइप मैं यहाँ पे void यूज़ कर रहा हूँ और मेथड का नेम मैं ले रहा हूँ डिस्प। देखो जो अच्छा प्रोग्रामर होता है ना वो क्या करता है, अपने मेथड का नेम ना वही लेता है जो वो अपने इस मेथड के अंदर करने वाला है, जिस चीज़ का लॉजिक वो यहाँ पे लिखेगा उसी से रिलेटेड अच्छा प्रोग्रामर लोग यहाँ पे नेम लेते हैं, ताकि कोई भी देख के समझ सके कि इस मेथड का काम क्या है। तो मेथड क्या बोला था मैंने, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। तो यहाँ पे देखो ये ब्लॉक है हमारा, इसी के अंदर हम कोड लिखेंगे। तो डिस्प मेथड में हम क्या करेंगे, बस एक मैसेज को प्रिंट करेंगे, यानी मैसेज डिस्प्ले करने का ये हमारा काम करेगा। मैसेज क्या होगा, वही हमारा फेवरेट नेम, लर्न कोडिंग हमारे चैनल का नेम है। अगर आप तक अभी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेथड अपना बन चुका है, अब करना क्या है, अब हमें इसे कॉल करना है, ठीक है, जो मैंने आपको रूल्स में बताया था। तो कॉल्स करने के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली मेथड का नेम यहाँ पे लिख देना होगा, ठीक है। प्रोग्राम को सेव करते हैं, मैं कर रहा हूँ इसे डेस्कटॉप लोकेशन पे, क्लास का नेम डॉट जावा, हो गया सेव। और कंपाइल रन करके आपको रिजल्ट दिखाते हैं कि होता क्या है, ठीक है, क्या कुछ नया देखने को मिलता है। सबसे पहले तो डेस्कटॉप लोकेशन पे जाएंगे, जावा सी क्लास का नेम डॉट जावा, हमने एंटर मारा, यहाँ पे एक एरर आया है। मैंने जानबूझ के इस एरर को लाया है ताकि आपको दिखा सकूँ, समझा सकूँ, क्या बोल रहा है, नॉन स्टैटिक मेथड डिस्प कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कंटेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हमारा ये जो मेन मेथड है ना ये एक स्टैटिक मेथड है और अपना ये डिस्प मेथड नॉन स्टैटिक है, तो नॉन स्टैटिक मेथड को हम स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल नहीं कर सकते डायरेक्टली। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी क्लास में इसे बना रहे हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए आपको इसे कॉल करने के लिए, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है। तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नेम आर, न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, फिर से क्लास का नेम, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन गया हमारा क्लास ए का, अब इस रेफरेंस से हम क्या कर सकते हैं, अपने इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये एरर मैं आपको इसलिए दिखाया था ताकि आपका डाउट मैं क्लियर कर सकूं। अभी मैंने कंपाइल कर दिया, देखिए कंपाइल हो गया, अभी तो आउटपुट भी आएगा, यहाँ पे देखो अपना रिजल्ट प्रिंट हो चुका है जो मैंने वहाँ से पास किया था। इसे छोटा कर देते हैं फिर से और साइड कर देते हैं, तो ये सिंपल सा काम हो गया। मैंने क्या बोला था, और एक काम आपको करने के लिए कि रीडेबिलिटी, हमारा जो रीडेबिलिटी का काम होता है वो मेथड सॉल्व कर देता है, तो वो कैसे करता है आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे भी मेथड बना सकते हो, ऊपर में भी, मान लो मैं एक मेथड बना रहा हूँ void add नाम का, ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा, दो वेरिएबल बना लेता हूँ a और b, दो नंबर को हम ऐड करेंगे, तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इस प्रिंट मेथड के अंदर हम a प्लस बी लिख देंगे और इस यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू डाल देंगे। तो मैं डाल देता हूँ b में 20 और a में मैंने 10 डाल दिया। तो देखो हमारे मेथड का नाम ऐड है, तो कोई भी देख के समझ जाएगा कि इसमें एडिशन का काम होगा।
ठीक है, प्रोग्राम समझ में आ रहा। और देखिए हम एक ही प्रोग्राम में दो काम कर रहे हैं, एक एडिशन का काम भी कर रहे हैं, मैसेज प्रिंटिंग का भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी सभी काम को हम बिना मेथड के नेम के करें तो वो प्रोग्राम काफ़ी लेंदी हो जाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा ये क्या कर रहा, पहले ऐड कर रहा फिर मैसेज प्रिंट कर रहा। लेकिन यही एक मेथड के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग काम करने के लिए हमने एक अलग अलग मेथड बना दिया है, तो ये एक रूल हो गया। ठीक है, तो इस मेथड को भी हम इसी के जैसे सेम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको अलग क्या करके दिखा रहा हूँ, एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर रहा हूँ मैं पब्लिक, और इसे मैं स्टैटिक मेथड बना देता हूँ। ये दोनों ऑप्शनल होता है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, जैसा यहाँ पे हमने नहीं करा था। पब्लिक होने से क्या होता है, कहीं भी आप इस मेथड को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। स्टैटिक मतलब ऑब्जेक्ट के बिना भी ये कॉल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के बिना कैसे कॉल होगा, ये हमारा ऐड नाम का स्टैटिक मेथड क्लास ए का मेथड है। सिंपल आपको क्या करना है, क्लास का नेम लिखना है और मेथड का नेम क्या है, ऐड है। स्टैटिक मेथड डायरेक्ट क्लास से कॉल हो जाते हैं, हो जाएगा कॉल। आपको रिजल्ट दिखाता हूं मैं, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, एक एक डाउट क्लियर कर रहा हूं। कंपाइल हो गया और रन, यहां पे देखो 30 हमारा एडिशन का रिजल्ट भी आया है। ये एक ही लाइन में आ गया क्योंकि मैंने न्यू लाइन यूज़ नहीं करा, यहाँ पे स्लैश एन, ठीक है हो गया अपना। और एक मैसेज भी यहाँ पे दे देता हूँ, बस ये अपने समझने के लिए, आप दे भी सकते हो नहीं भी, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, सेम आउटपुट ही रहेगा लेकिन आपको प्रॉपर मैनर में रिजल्ट दिखेगा। दिख गया आपको 10-20 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है इस बार, इसलिए ऐसा प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने इसे एक सेपरेट ब्रैकेट में नहीं दिया। कंपाइलर क्या कर रहा है, इस प्लस को भी इसी के साथ कंसिडर कर ले रहा, अभी देखिएगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि किसी के सामने जब प्रोग्राम बनाओ ना तो सारी चीज़ों की तैयारी करके रखो। ये हो गया अपना, दो तीन पॉइंट मैंने प्रूफ कर दिया। अभी अपना अगला पॉइंट क्या होता है कि डिक्रीज लाइन ऑफ कोड, कि मेथड यूज़ करने से हम लाइन ऑफ कोड कैसे बचा सकते हैं। मान लो मुझे इसी एडिशन वाले काम को 10 बार करना है, तो मैं 10 बार थोड़ी ना सेम कोड को लिखने जाऊँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा मैं क्या करूँगा, 10 बार इसी मेथड को कॉल कर दूँगा अपने इसी मेन मेथड के अंदर। इस तरह से जितना बार मैं कॉल करूंगा उतना बार हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब मेथड, एडिशन मेथड चलेगा, ये करके दिखा देते हैं आपको। अभी देखिएगा मल्टीपल टाइम्स हमारा सम नाम का रिजल्ट प्रिंट होगा। यहाँ पे देखो सम 30 सम 30 सम 30 करके 4 टाइम्स ये प्रिंट हुआ है, क्योंकि 4 टाइम्स यहाँ से इसे कॉल किया गया है। अभी रिपीटेशन का काम भी हो रहा है, देखो हमने 5 बार कॉल करा ना, तो ये 5 बार रिपीट हो रहा सेम कोड। रीडेबिलिटी तो बता ही दिया है मैंने, सिंटैक्स में भी बोला था ये रिटर्न टाइप होता है, रिवॉइड मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, मेथड का नेम कंपलसरी होता है, और ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते। अगर आप ये दोनों यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो आपका मेथड है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा आपको कॉन्सेप्ट समझाना था मेथड के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अगर सच में समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।